आप देख रहे हैं एसआर न्यूज, मैं रिजवी। पूरे बिहार में नगर निकाय नगर निगम चुनाव का बिगुल फूक चुका है, बज चुका है डुगडुगी। तमाम प्रत्याशी, वो वार्ड पार्षद हो, डिप्टी मेयर हो या मेयर हो, सब लोग अपने अपने अंतर से चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। नॉमिनेशन हो चुका है। आज तमाम लोग जितने भी है, डिप्टी मेयर, मेयर, वार्ड पार्षद, लोगों के बीच में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज पटना नगर निगम मेयर प्रत्याशी विनीता बिट्टू सिंह अपने पति बिट्टू सिंह के साथ पटना सिटी के नून के चौराहा अली जौहर कमेटी में एक जनसभा को संबोधित किया। तमाम लोगों से मिले और काफी तादाद में भीड़ देखने को मिली। जन सैलाब जैसे उमड़ चुका था। तमाम लोग, तमाम समुदाय के लोग उनके समर्थक में अली जौहर कमेटी में देखने को मिले। तमाम लोग नारा कर रहे थे, विनीता बिट्टू सिंह की जय जयकार कर रहे थे। उनकी बातों को सुनी, महिला हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी जाति समुदाय के हो, तमाम लोग बिट्टू सिंह के समर्थन में नारे लगा रहे थे। काफी जनसल्ला, भीड़ काफी तादाद में देखने को मिला, जिसमें मौजूद है मोहम्मद हुसैन आलम साहब, मोहम्मद सोनू, मोहम्मद शाहनवाज उर्फ गुड्डू सुड्डू, मोहम्मद सकलैन, मोहम्मद अलाउद्दीन, नौशाद इलाही साहब, मन्नू, काफी तादाद में लोग थे। तमाम लोग जयकारे के नारे लगा रहे थे। आप देख सकते हैं मेरे न्यूज के माध्यम से। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। रामनेपाल यादव जी, राजा हसन जी साहब, यादव साहब, अलाउद्दीन साहब जी, सोनू जी, शाह जी, मैं इनका नाम नहीं ले सकता, युवा साथियों का वो सारे रिश्ते हैं। इतिहास में इसकी रचना बिना पटना के हम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज हमारा पटना शहर बहुत ही प्रदूषित शहर के रूप में चिन्हित हुआ है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इसे हम स्वच्छ, साफ करें और विकास की राह पर ले जाएं? लेकिन नगर निगम की जितने भी नगर निगम का ही कार्य हो रहा है, हमारे शहर को विकास की ओर ले जाएगा, स्वच्छ और स्वस्थ रखना। लेकिन जमीनी स्तर पर नगर निगम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उस कार्य को करना हमारी जिम्मेदारी है। नगर निगम की ही जिम्मेदारी होती है कि वह जमीनी स्तर पर ये सारे कार्य कर पाए। और मेरी कुछ कार्य जो हम आपको जिस कार्य को करके हम अपनी योजनाओं को बताकर एक स्मार्ट सिटी के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। वैसे वैसा स्मार्ट सिटी जो आप सभी कल्पना करते हैं और उस सपने को साकार करने का अब समय आ गया है। लोग बीच में जा रहे हैं, कैसा जन समर्थक, कैसा प्यार मिल रहा है? नहीं पता चल रहा है, ये भीड़ देख के सारा जाति धर्म सब चीज़ टूट गया है। और अब सुनिए, ये जमात का भीड़ है,
ठगों का फिर ठग जो आ रहे हैं ठगों का ये नहीं चलेगा। क्या लगता है इस भीड़ को आप वोट में परिवर्तन कर पाइएगा? अरे ये भीड़ से ना पूछिए, हमसे क्यों पूछे, आप उन लोगों से पूछिए और आप उन लोगों से पूछिए। अभी परिवर्तन होगा जो इस जब इलेक्शन है, जब जनता को चुनना है तो बदलाव तो होना ही निश्चित। हर बार तो कुर्सी का खेला होता था, लोग कुर्सी पर बैठ के कुर्सी खरीदते थे, इस बार तो सब खेल खत्म हुआ, तो जनता ही सब मालिक है, वही चुनेगी।